भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान यूक्रेन से दिल्ली पहुंचा है। इस विमान में बुडापेस्ट के रास्ते वहां फंसे मेडिकल के छात्रों को दिल्ली लाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज 1200 के करीब भारत लाए जा रहे हैं यूक्रेन से लौटे छात्र। आफताब कमल ने वहां के मुश्किल हालातों को बयां किया। बॉर्डर तक मैम जो मेट्रो के नीचे से अंडरग्राउंड उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे वहां पर हमें पैदल चल के जाना पड़ा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कोई चल नहीं रहा था बमबारी के बीच। खुद ही पार किया था लेकिन इंडियन एम्बेसी ने ऑब्वियसली उनको इंस्ट्रक्शन दिए है कि इनको इवैक्यूएट करना है, तभी तो हमें दूसरी कंट्री में जाने दिया वरना बिना वीजा के क्यों घुसने देते। यूक्रेन में फंसे 1200 के करीब भारतीय आज 7 विशेष फ्लाइट से देश लौटेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूक्रेन के सूमी में फंसे 700 छात्रों के रेस्क्यू के लिए भारतीय दूतावास की टीम पहुंची। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी जारी कर सभी छात्रों से तैयार रहने को कहा। यूक्रेन में गोली लगने से जख्मी छात्र हरजोत भी लौटेगा देश। एम्बुलेंस में कीव से पोलैंड लाया गया, पोलैंड से एयरफोर्स के प्लेन से देश लाया जाएगा। यूक्रेन से भारतीयों को रोमानिया हंगरी के रास्ते से निकालने की कोशिश है जारी। बमबारी से बचकर रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्र फुटबॉल खेलकर खुद को सर्दी से बचा रहे हैं। खारकीव पर रूस के लगातार हमले, रूसी हमले में तबाह हुआ खारकीव का नोवोसाल्टिवस्की मार्केट। खारकीव के पड़ोसी शहर उत्तरी साल्टोवका में भारी बमबारी, बहुमंजिला इमारतों से निकल रहा है काला धुआं। यूक्रेन के पूर्वी शहर लुहांस्क से एक हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सैनिकों ने गोलियां बरसा दी। हमले में एक नागरिक घायल। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा युद्ध में अब तक रूस के 11,000 सैनिकों को मार गिराया। यूपी में जारी है 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग। वाराणसी सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर चल रहा है मतदान। जौनपुर की मल्हनी सीट से जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह सुबह सुबह वोट डालने के लिए निकले। थोड़ी देर में मल्हनी के बनसफा बूथ पर डालेंगे वोट। मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, इससे आप महसूस कर सकते हैं कि पार्टियां लड़ रही हैं और लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को 6 बजे तक रिजल्ट आपको दिख जाएगा। वाराणसी के अलावा चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर में शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। अंतिम चरण में यूपी के कई मंत्रियों समेत कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। एबीपी न्यूज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, इस बार बीजेपी 300 के पार जाएगी। डबल इंजन ने चौतरफा विकास किया। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। यूपी चुनाव के नतीजों से पहले एबीपी न्यूज की अखिलेश यादव से भी खास बातचीत। बीजेपी और योगी सरकार पर लगाए कई आरोप, कहा गठबंधन को मिलेगी बड़ी जीत। पहले दिन टारगेट फिक्स किया था गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर के इस बार 400 सीटें जीतनी है। अब मैं ये कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतने जा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अलका राय ने कहा विकास की होगी जीत। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी के साथ चुनाव में है टक्कर। क्या है मतदाता के मन की बात, देखिए एबीपी न्यूज पर आज शाम 4 बजे से सबसे सटीक एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।